दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के बीच वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला खेला जा चुका है और दोस्तों इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने कमाल का प्रदर्शन करा है। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 345 रनों का टारगेट दिया था और दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने इस टारगेट को काफी आसानी से हासिल करके एक इतिहास बना दिया है और दोस्तों इस जीत के बाद पाकिस्तान के पॉइंट टेबल में बड़ा फायदा पहुंचा है। जहां दोस्तों हम आपको बता दें, इस मैच में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों श्रीलंका की टीम ने भी काफी कमाल का प्रदर्शन करा और उनकी टीम ने कमाल का बल्लेबाजी करते हुए 344 रन बना दिए थे 9 विकेट के नुकसान पर। और श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस ने कमाल का प्रदर्शन करा था, उन्होंने 77 गेंदों में 14 छक्के और 6 चौके की मदद 122 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो समय विक्रमा ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए 108 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा निशंका ने भी 51 रन बनाए थे। तो पाकिस्तान की तरफ से हसन अली को 4 विकेट हाथ लगी थी और हरीश रूप ने 2 विकेट चटकाए थे। जहां इस मैच में श्रीलंका की टीम ने इतना रन बना लिए थे तो सबको लगा था कि श्रीलंका की टीम अब ये मैच आराम से जीतने वाली है, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हमें शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी क्योंकि कप्तान बाबर आजम जहां 10 रन ही बना पाए तो इमाम उल हक ने केवल 12 रन बनाए थे और पाकिस्तान की हालत शुरुआत ने बेहद खराब रही थी। लेकिन जब इसके बाद मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला सफी बल्लेबाजी कर रहे थे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह मैच पलट दिया और उस मैच को पूरी तरह पाकिस्तान के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। जहां दोस्तों पहले सफी ने 113 रन की शानदार पारी खेली थी तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने 121 गेंदों का सामना करने के बाद 8 चौके और 3 छक्कों की मदद 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो साउथ शकील ने भी 31 रन बनाए थे और आखिरी में आकर इफ्तिकार अहमद ने 10 गेंदों में 22 रन छूट दिए थे। और दोस्तों पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला 10 गेंद पहले जीती थी, वो भी 6 विकेट के बड़े अंतर से। और इस जीत के बाद पाकिस्तान की टीम को पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा हुआ है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में अब सीधा दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। तो श्रीलंका की टीम को भारी नुकसान उठाने को पड़ा है। जहां दोस्तों श्रीलंका की टीम अपने दोनों वर्ल्ड कप के मैच हार चुकी है और उनकी हालत बेहद ही खराब हो चुकी है। जहां 10वें नंबर पर नीदरलैंड है, उन्होंने भी दोनों बार हार का मुंह दिखाया है। तो 9वें नंबर पर अफगानिस्तान है, तो 8वें नंबर पर श्रीलंका की टीम है और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो 6ठे नंबर पर बांग्लादेश की टीम। उन्हें एक मैच जीत और एक मैच हार मिली है और उनके 2 पॉइंट है। तो 5वें नंबर पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भी एक मैच जीतकर एक मैच हारे हैं और उनके भी 2 पॉइंट है, लेकिन उनकी नेट रन रेट प्लस में चल रही है। तो 4ठे नंबर पर भारतीय टीम है, भारत की टीम अब तक एक मैच खेला है और उन्होंने जीत हासिल किया है और उनके पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट प्लस में है। तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट सबसे बेहतर है। तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पहुंच चुकी, पाकिस्तान ने 2 मैच खेलकर दोनों मैच जीते हैं और उनके 4 पॉइंट है और उनके नेट रन रेट प्लस में चल रही है। और दोस्तों सबसे ऊपर न्यूजीलैंड की टीम है। जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू।